नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अथ षट् पञ्चाशत् तमोऽध्यायः छप्पनवा अध्याय। स्यमंतक मणि की कथा। जाम्बवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्यमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे स्यमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गईं। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। नारायण नमस्तेस्तु, शंख चक्र गदाधर दामोदर अरविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। जगदीश्वर, देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभो, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्य देव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। भार का परिमाण इस प्रकार है, अर्थात 4 व्रीही धान की 1 गुंजा, 5 गुंजा का 1 पण, 8 पण का 1 धरण, 8 धरण का 1 कर्ष और 4 कर्ष का 1 पल, 100 पल की 1 तुला और 20 तुला का 1 भार कहलाता है। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थ लोलुप लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर
शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए वृक्षराज जाम्बवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई वृक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली वृक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित, जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। परीक्षित, वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभो मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण इंद्रिय बल मनोबल और शरीर बल हैं। जाने त्वाम सर्वभूतानाम प्राणः ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषम प्रभु प्रभ विष्णु मधीश्वरम। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। काल के जितने भी अवयव हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभो मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांध कर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लोट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी
श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, जब ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा, वृक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा में से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मर कर लौट आया हो। तदनंतर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं? मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो? मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं? सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूं। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह श्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा श्यमंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिलें और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम श्यमंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम
तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। नारायण 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 नारायण।